गाइस, आज के इस वीडियो में आपको तीन चार एयर ड्रॉप और प्लस अपडेट बताऊंगा और बहुत ही अच्छे अच्छे अपडेट्स हैं, वो मत मिस करना क्योंकि आपका अच्छा खासा प्रॉफिट होने हो सकता है आने वाले टाइम पे। तो सबसे पहले हुबोई का, जो मैंने बहुत ही पहले आपको मैंने बताया था डॉट स्टेक करने का, वो अभी भी आप लोग स्टेक कर सकते हो। ये इवेंट बहुत ही मीन्स काफ़ी हर वीक चलता रहता है, इनका फेस 8 या 9 चल रहा है, वो मैं अभी आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे लास्ट टाइम भी हमें कुछ USDT मिला था $30-$40 के आसपास, जितना भी डॉट आपने स्टेक किया उसके हिसाब से। तो डिपेंड करता है, जितना आप स्टेक करोगे डॉट, एक डॉट स्टेक करोगे तो उसका $4-$5 है, दो डॉट स्टेक करोगे उसका, जितना ज्यादा आप लोग स्टेक करोगे उतना ज्यादा। और प्लस अगर वो प्रोजेक्ट विन, जिसमें आप लोग स्टेक कर रहे हो वो प्रोजेक्ट अगर विन करता है तो आपका जो है 96 या 94 वीक तक आपका जो है डॉट लॉक रहेगा, प्लस जो भी प्रोजेक्ट विन करेगा उसका आपको रिवॉर्ड मिलेगा। और अगर जो प्रोजेक्ट नहीं विन किया, अगर उसमें आपने स्टेक किया तो आपका डॉट ऑटोमेटिकली अनलॉक होकर आपके वॉलेट में रिसीव हो जाएगा। तो अभी चलते हैं हुबोई का। आपको पता है प्राइम लिस्ट का अभी इनका फिर से एक न्यू इवेंट आ चुका है, बट इन्होंने इसमें फिर से इनका न्यू एंड टर्म एंड कंडीशन आया। पहले हमें क्या करना था, $200 के वॉल्यूम ट्रेड करने थे डेली। अभी आपको क्या करना है, कोई ट्रेड वोड नहीं करना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले रजिस्टर करके आपका जो USDT है ना उसको कर देना लॉक। अगर आप जितने जल्दी लॉक करोगे उतना चांसेस रहेगा, उतने ज़्यादा आपको टिकट मिलने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि एक USDT का एक टिकट है और मिनिमम 50 आप लोग को लॉक करना है। तो आप लोग HT भी लॉक कर सकते हो, USDT भी लॉक कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मीन्स जो है USDT लॉक करो। तो जो भी होगा HT, जैसे मान लो आप 5 HT लॉक कर रहे हो, $50 का उसका जो है अभी $9 के हिसाब से $45 होगा, तो उसके हिसाब से इनका कैलकुलेशन होगा डेली। यहाँ पे आप लोग टाइम उन देख सकते हो और यहाँ पे आप लोग नीचे पढ़ोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप लोग जितने जल्दी इसमें आपको क्या करना है, आप अभी जाके क्या करना, आप लोग रजिस्टर पे क्लिक करना, लॉक USDT पे जाना और जितना भी आपके पास USDT है 52-53 लॉक कर देना। बट एक चीज़ ध्यान देना, जब अगर आप लोग लॉक कर दोगे तो वो टोकन आपका ऑटोमेटिकली फ्रोज हो जाएगा, उसका आप लोग विड्रॉ नहीं कर सकते ना ही ट्रेड कर सकते हो। तो ध्यान रहे, जब आप लोग को करना होगा तभी कर देना। और यहाँ पे जब लॉक कर दोगे तो यहाँ पे आपका जो है परसेंटेज, कितना परसेंटेज शेयर बन रहा है वो दिखा देगा, और आपका जो भी एक USDT का एक टिकट होता है यहाँ पे आपको टिकट शो कर जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख लेना, आपका सब कुछ शो कर जाएगा। सेकंड जो है, इसी में आपको हुबोई का एक इवेंट चल रहा है, आपको 1 लाख जो है USDT का एक इनका इवेंट चल रहा है, जिसमें आपको पॉपअप शो करेगा। यहाँ पे आप लोग ओपन करोगे, ओल्ड यूजर न्यू यूजर जो भी होंगे सबको मिलेगा। अगर नहीं शो करा तो एक बार ऐप अपडेट करके एक मिनट तक होम स्क्रीन पे वेट कर देना, आपको शो कर जाएगा। नहीं करता है तो भी, तब आपको क्या करना है, डेरिवेटिव पे आना। डेरिवेटिव पे आने के बाद आपको यहाँ पे वारंट वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, वारंट पे चले जाना। वारंट में आपको जाके यहाँ पे 2-3 आपको टास्क करने के लिए बोलेगा, मींस क्विज रहेगा, वो क्विज कर लेना। क्विज में आप लोग गलत भी करोगे तो भी ऑटोमेटिकली आपको वो मींस बोलेगा, मींस करेक्ट कर देगा वो। उसके बाद क्या करना है, ये सारा करने के बाद यहाँ पे आपको 3 डॉट पे क्लिक करना। 3 डॉट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक न्यू ईयर इवेंट करके आएगा, इस पे क्लिक कर देना। न्यू ईयर इवेंट पे करने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको एक क्लेम करने का ऑप्शन आएगा, तो उसको देख लो, यहाँ पे आ गया, इसको क्लेम कर लेना। अगर आपके डिवाइस में मल्टीपल अकाउंट्स है तो आपका क्रिएट नहीं होगा, मींस जैसे अभी मैंने, मेरा इसमें डुअल ऐप है तो ये मेरा क्लेम नहीं होगा। तो आप लोग ट्राई करना, जिसके मोबाइल में सिम मींस क्या बोलते हैं, जिसका एक ही एंड्रॉइड में, मेरे दूसरे मोबाइल में सिर्फ एक ही अकाउंट था तो उसमें मैंने इजीली क्लेम कर लिया। प्लस दूसरा आप लोग क्या कर सकते हो, $100 का इसमें डिपॉजिट करके फिर आप लोग इसका 0.02 BTC वो कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो। अब इसमें इसको कैसे यूज़ करना है वो मैं बताता हूँ। तो इसमें क्या करना, आप लोग बैक आ जाना, यहाँ पे आपको कॉल मीन्स लॉन्ग, पुट मीन्स शॉर्ट, अब आपको जैसा लगता है BTC लॉन्ग शॉर्ट उसके हिसाब से कर देना। और जैसे अभी नीचे यार मैंने अभी दूसरे मोबाइल में लॉन्ग करके रखा था, यहाँ के आसपास मैंने यहाँ पे कहीं लॉन्ग किया था तो अभी मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, तो उसको आप लोग बुक कर सकते हो। तो सिंपल ट्रेडिंग करना है, आप लोग जो प्रॉफिट होगा उसको आप लोग ट्रांसफर कर सकते हो अपने मेन बैलेंस में। तो बस इसमें इतना ही करना था, और भी कुछ होता है तो मैं आपको बताता हूँ। और एक चीज़ और बताना, यहाँ पे मैजिक माइनर का मैंने बताया था यार, इसका मिस मत करना, काफ़ी अच्छा, बहुत लोगों को प्रॉफिट हो रहा है। जो आप लोग पहले ट्रेड करते ना वो तो निकल जाता। तो इसमें क्या करना, आपको कुछ करना भी नहीं है, आपको डेली एक माइन मिल ही रहा है, डेली के डेली आपको एक माइन मिलता है। प्लस आप लोग $100 का ट्रेड करोगे ना एक और मिल जाएगा, सिंपली सा है। $100 का आप लोग एक ट्रेड करोगे, मीन्स $50 है तो आपको एक बार बाय एक बार सेल कर देना, एक और मिल जाएगा, तो 2 माइन आपको इजिली मिल जाएगा। तीसरा, अगर आप लोग $200 का डेली डिपॉजिट करते हो तो आपको एक एक माइन उसका मिलता रहेगा। बाकी का तो ये सब छोड़ दो। और क्या बोलते हैं, आपको क्या करना, माइन नाउ पे, जैसे अभी मेरे पास 2 माइन है तो मुझे वैसे हमेशा एक शिप मिलता है, आप लोग को देख सकते हो। ये मेरे को पता नहीं, मेरा अकाउंट ये मल्टीपल अकाउंट्स जो है कारण मुझे बार बार ये एक ही शिप देता है, बट बहुत लोगों को एक USD दो मीन्स XRP मैं आपको यहाँ पे वॉलेट में दिखाता हूँ, आपको बहुत सारा रिवॉर्ड जो है जैसे मुझे बार बार यहाँ पे देख सकते हो शिप ही मिलता है। और बाकी के आप लोग देखोगे, बहुत लोगों को मैंने, मेरे को उन्होंने शेयर किया, मैं टेलीग्राम पे मेरा नेट नहीं चल रहा था इसलिए मैं शेयर नहीं कर पाया। काफ़ी लोगों को USD मिला है, सोल मिला है, 11 सोल मिला है, फिर बोलते हैं शिप मिला, 10,000 शिप मिला। तो बहुत सारे इसमें इवेंट चल रहे हैं हुबोई में, आप लोग देखते रहना, मैंने जैसे हमेशा बोला है बहुत सारे बैनर्स आते रहते हैं, आप लोगों को बस क्लिक करना है।
और इसी में मैंने तीसरा भी आपको तीसरा भी इवेंट बता देता हूँ, ये सब मैं बार बार बताया था, इसमें 1 मिलियन फॉर यू ये भी सबको मिला है। यहाँ पे क्या करना, इसमें आपको $500, ये दो दिन तक और इवेंट चलेगा, तो इसमें क्या करना आपको $500 का वॉल्यूम, मीन्स मान लो आप लोग गूगल पे ट्रेड करते हो तो आपको इजिली यहाँ पे इसमें और इसमें इसमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता है, इसमें मीन्स आपको कुछ ना कुछ अच्छा ही मिलेगा, इसमें खराब मिलता ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या करना आपको अगर $500 का वॉल्यूम क्रिएट हो जाता है ना तो आपको एक स्पिन मिल जाएगा। तो क्या करना स्पिन नाउ पे क्लिक करोगे तो मैक्सिमम टाइम मुझे ये 1 पॉइंट कार्ड मिलता है, 1 पॉइंट कार्ड आप लोग यूज़ कर सकते हो, आप लोग को जो ट्रेडिंग फी लगता है ना वो 1 पॉइंट कार्ड में से ही डिटेक्ट हो जाएगा, तो आपका समझ लो कोई ट्रेडिंग फीस नहीं मिलेगा। मुझे कब 1HT मिला है, GMPD मिला और USD मिला है, तो मेरे को ये तीन मिलते रहते हैं बार बार, और देखना बहुत लोगों को शिप भी मिल जाता है, और मैक्सिमम टाइम मेरे दूसरे अकाउंट में उसमें पॉइंट कार्ड मिलता रहता है। तो देख लेना अगर आप लोग मल्टीपल अकाउंट से करते हो तो आप लोग को बहुत ही लो रिवॉर्ड मिलेगा, अगर आपका अलग डिवाइस में कोई अच्छे डिवाइस में मीन जिसमें मल्टीपल अकाउंट नहीं है तो उसमें करोगे तो आपका अच्छा खासा लॉक रहेगा। और जैसा मैंने डॉट का बताया था, डॉट देखो मेरा लॉक पड़ा है, ये मेरा कुछ समझ जाओ 96 या 97 डेज़ के लिए लॉक रहेगा। तो आपको क्या करना मोर पे क्लिक करना, अगर आप लोग अभी भी प्रोजेक्ट में आपके पास डॉट पड़ा है तो यहाँ पे डाल सकते हो, यहाँ पे नीचे आना तो यहाँ पे लास्ट में आपको देख सकते हो, लास्ट में आपको ये बैनर शो करेगा डॉट ऑक्शन का, तो यहाँ पे आप लोग आ सकते हो और जो भी आप लोग ट्राई करो ना, जो प्रोजेक्ट हारने वाला हो ना उसमें स्टेक करो, क्योंकि क्या होगा आप लोग हारोगे तो आपका क्या डॉट अनलॉक होगा, प्लस जो भी स्टेक किया उसका थोड़ा बहुत आपको रिवॉर्ड मिलेगा। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हो कैसे पता करना, तो यहाँ पे देख सकते हो इसमें 3.3K लोगों ने वोट किया है, यहाँ पे 1.8, तो जैसे मान लो यहाँ पे 3K किया तो चांसेस है यही विन करेगा। तो आप लोग क्या करो ना ऊपर किसी में से जिसमें सबसे कम है ना उसमें वोट कर दो, जैसे वोट करोगे तो यहाँ वोट नाउ पे क्लिक करना, मिनिमम 1 डॉट और मैक्सिमम देख सकते हो, मैक्सिमम तो छोड़ दो, तो मिनिमम आप लोग 1 डॉट अपना यहाँ पे अगर आपके पास है तो स्टेक कर सकते हो, क्योंकि जब ये प्रोजेक्ट हार जाएगा तो आपके जो है वो आपको वापस मिल जाएगा। बट गलती से भी विन हो जाता है तो आपको यहाँ पे जो होगा आपका 96 या 97 डेज के लिए, सॉरी वीक्स के लिए, यहाँ पे देख सकते हो 96 वीक के लिए आपका जो होगा लॉक रहेगा। तो अभी फेज 7 चल रहा है, हर वीक या 2 वीक में इनका एक फेज आता रहता है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट एयर ड्रॉप पे, सेकेंड जो है वी लॉन्च का है, वी लॉन्च का अभी इनका थर्ड जो है सॉरी फोर्थ इनका जो प्रोजेक्ट है माई लॉन्च NFT ये आ गया। तो इसमें मैं ये कोई इसमें आपको पता है कि आपको पार्टिसिपेट करने के लिए स्टे करना पड़ता है, तो इसमें मैं ये बताने वाला था इनका जो है मंडे को कोई इन्होंने अनाउंस किया कि कोई अच्छे एक्सचेंज पे लिस्ट करने वाले, बट कौन सा एक्सचेंज है वो बिल्कुल आइडिया नहीं, कुकू क्या बोलते कुकॉइन हो सकता है, गेट हो सकता है, बायबिट हो सकता है, कोई भी एक्सचेंज हो सकता है, कुछ भी आइडिया नहीं है। तो मेरा सजेशन ये था कि पहले बता रहा हूँ रिसर्च अपना करना, जो भी रिसर्च होता है सब अपने तरीके से करना, ये मेरा आइडिया है मैं क्या करने वाला। तो अभी ये कुछ 1.75 या 1.8 अराउंड ये इसका वी पैड का प्राइस चल रहा है, तो 1.78 के आसपास मैं बाय करूंगा, और अभी वैसे बाय कर लूंगा क्योंकि बहुत सारे जो फेमिक्स और बेट मैक्स एक्सचेंज पे जो लिस्टेड है वहाँ पे आपको खरीद लेना अगर खरीदना होगा तो। और जैसे ही ये मंडे को एक्सचेंज का अनाउंस करते हैं, अगर सपोज समझ लो अच्छे एक्सचेंज पे लिस्टिंग हो जाता है तो प्राइस ऑफकोर्स वो $2, $2.2 तक जा सकता है, तो वहाँ पे क्या करना प्रॉफिट बुक कर लेना हमें सेल करके। तो देख लेना जैसा आपको ठीक लगे करना करना, बाकी आपके ऊपर अगर लॉन्ग टर्म होल्डर हो तो बाय करके रख लो, बाकी तो फ्यूचर इसका अच्छा ही है। थर्ड वाला है, इसमें आपको आपको थोड़े से टास्क करने हैं, और थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा टास्क है वैसे, बट प्रोजेक्ट मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसमें क्या है 200 रैंडम विनर्स को जो है $20 का एलोकेशन मिलेगा, ये हमारे काम करनी है। तो इसमें 30 आवर लेफ्ट, तो आपको क्या करना है ये सारे टास्क कर लेना, क्योंकि प्रोजेक्ट मुझे जहाँ तक लग रहा है अच्छा ही है ये, और ये सारे टास्क कर लेना क्योंकि ये सब फॉलो रिट्वीट है। और यहाँ पे जो है आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है, यहाँ पे इनके दोनों के डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना है, फेसबुक को विजिट करना है, यहाँ पे इनका जो है क्या बोलते कॉइन मार्केट कैप को वॉचलिस्ट में डाल के उसका स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हो, मोबाइल में भी आप लोग जो है उनका ऐप है उसमें भी आप लोग करके स्क्रीनशॉट अपलोड कर सकते हो, और जो है रिव्यू कर सकते हो यहाँ पे, और अपना एड्रेस मेन इंपॉर्टेंट एड्रेस अपना BSE का BP20 का एड्रेस डाल के सबमिट कर देना। नेक्स्ट जो है बायबिट का मैं दो इवेंट बताने वाला हूँ, पहला इवेंट तो मैंने ये ऑलरेडी आपको शेयर कर दिया, इसमें मैंने बोला जितने ID से हो सके ना यार उतने ID से कर डालो, 15-20 ID, भले इनका टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन मत करना, बट इसमें वैसे क्या करना सब विजिट करना है, कुछ भी ज्वाइन नहीं करना, देख सकते हो विजिट सारे के सारे विजिट करना है, कुछ भी आपको करना नहीं, खाली टेलीग्राम मेन चीज़ है, उनका टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और ट्विटर पर फॉलो कर लेना और डिस्कॉर्ड, बाकी सब विजिट करना यहाँ पे आपको देख लो, और बाकी रेफर पे आप लोग रेफर नहीं करोगे चलेगा, बाकी इसमें रेफर जो है मैक्सिमम 5 ही रेफर कर सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो लिमिट मैक्सिमम 5 ही रेफर कर सकते हो। तो रेफर का वैसे कुछ नहीं सिस्टम है, 500 यूजर को देख सकते हो जो होगा $500 को $100 मिलेगा, अगर आप लोग विन करते हो तो काफी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, प्लस 10 लकी यूजर को iPhone 13 का गिव अवे होगा। और इसी में आपको दूसरा जो अपडेट था इनके स्पॉट कम्युनिटी ग्रुप में शायद फिर से स्टोरी वाला इवेंट चल रहा है, तो आप लोगों को क्या करना कोई भी ट्रेडिंग से रिलेटेड स्टोरी या कोई आपका एक्सपीरियंस हो ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस शेयर करना वो कर सकते हो, हैशटैग स्टोरी डाल के जो भी आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस वो शेयर कर सकते हो, प्लस क्या बोलते हैं कोई न्यू इन्वेस्टर है उसका कोई क्या बोलते हैं कैसे गाइड करना है, मींस कैसे कोई वो आपने जो गलती किया वो गलती ना करे, वो सब मींस समझ जाओ कोई भी स्टोरी क्रिप्टो से रिलेटेड आपको शेयर कर देना है, थोड़े समझ जाओ 100-150 वर्ड्स का रहेगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा, तो कर देना शेयर 2-3 ID से इजिली मैं बता रहा हूँ विन कर जाओगे, 2-3 ID से कर देना, और ट्विटर पे भी आप लोग शेयर कर सकते हो कोई जरूरत नहीं उनके टेलीग्राम पे, ट्विटर पे भी बस हैशटैग देख लेना कौन कौन सा हैशटैग यूज करना क्योंकि वो मेन इंपॉर्टेंट है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट एयर ड्रॉप पे।
सो नेक्स्ट जो एयरड्रॉप है वो एक्वा की तरफ से आ रहा है। इसमें मेरे को बहुत लोग पूछ रहे थे कैसे पता चलेगा एलिजिबल हूँ कि नहीं, और क्या बोलते हैं, बहुत लोग पूछ रहे थे कि इसमें बहुत सारे अपडेट हैं, तो मैं पूरा का पूरा आपको डाउट क्लियर कर दूंगा कितने से कितने डॉलर का आपको प्रॉफिट होगा जितना आप लोग स्टे करोगे, और 3 साल तक कितना रिवॉर्ड आपको मिल सकता है, मैं पूरा आप लोग को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हो, आपको 15 जनवरी को इनका स्नैपशॉट होगा, तो वो 15 जनवरी जब आएगा तब मैं आपको बता दूंगा, वैसे ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। आपको 500 XLM से ज़्यादा होल्ड रखना है, मीन 500 आप लोग 500 XLM से ज़्यादा होल्ड रखना, मिनिमम एक्वा आप में एक वो एक्वा होना चाहिए, तो ये कंडीशन मेट करेगा तभी आप लोग एलिजिबल होगे। तो क्या करना है, मैं आपको एक लिंक दूंगा, यहां पे चेक कर लेना, चेक अपना एड्रेस, लॉबस्टर का जो एड्रेस होता है चेक डाल के चेक पे क्लिक करना, यहाँ पे आप लोग दिखाओगे, यहाँ पे आप लोग को दिखा ले एलिजिबल फॉर एयर ड्रॉप, आप लोग को मिल सकता है। अब कितना मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे क्या करना है, गेट द बूस्ट पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका दूसरा पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग को दिखाएगा, देख सकते हो आपको जो होगा मेरे को जो है 7681 मैक्सिमम अप टू मिल सकता है, बाकी आप पे डिपेंड कर सकता है, वैसे सबको अप्रॉक्स 7000-8000 मिलेगा। अब बूस्ट मतलब क्या, अगर आपके पास एक्वा टोकन पड़े पहले से, क्योंकि हमारे जो ओल्ड यूजर्स हैं उनको सबको पता है 8000-9000 मंथली मिल रहा था, तो बट क्या है आपको यहाँ पे 7000 ये देंगे, तो आपको क्या है यहाँ पे देख सकते हो पर ईयर इतना मिल सकता है, और जो मंथली है 213 एक्वा। अब 213 एक्वा की जो प्राइस है अभी $2 है, यहाँ पे देख सकते हो, मैं अगर आपको 200 एक्वा की प्राइस बताऊँ तो $2 ये है, $2 अप्रॉक्स प्राइस है। अब क्या है, अगर आप लोग समझ जाओ मंथली आपको $2 मिल रहा है, तो समझ जाओ साल के आपको $24, और 3 साल के आप लोग मल्टीप्लाई बाई 3 कर लो, ठीक है, तो ज़्यादा ज़्यादा आपको 3 साल में $100, अब समझ जाओ अब 10x 20x होता है तब जाके आपका अच्छा अमाउंट थोड़ा मिले दिखेगा, वैसे तो कुछ ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है। बट क्या करना है आप लोग को, अगर आपके पास एक्वा पहले से है तो आप लोग स्टेक कर सकते हो, जैसे अभी मेरे पास 13000 एक्वा है, तो अगर मैं 13000 एक्वा यहाँ पे पूरा स्टेक करूँ, यहाँ पे मैक्स करूँ, तो मुझे यहाँ पे कितना मिलेगा आपको, और कितने दिन तक, हाँ ये भी मैटर करता है आप कितने दिन तक स्टेक करते हो। तो जैसे मान लो मैं अभी यहाँ पे 3 महीने के लिए स्टे करता हूँ, 3-4 महीने के लिए स्टे करता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे जो 7000 जो है 681 पहले मिल रहा था, वो मुझे अभी मिलेगा 9738 एक्वा मिलेगा। मींस पहले जो मुझे देख सकते हो 7681 मिल रहा था, अभी मुझे मिलेगा 9000 जो 3 साल के लिए रहेगा वो मिलेगा, प्लस मेरा जो एक्वा है ये लॉक रहेगा। तो देखो मैं ऐसा नहीं बोल रहा आप लोग जाके बाय करो एक्वा और लॉक करो, तो ये आपके ऊपर करना है कि नहीं करना, वैसे मेरा सजेशन है कि मत ही करना, क्योंकि कुछ ज़्यादा प्रॉफिट मुझे इसमें दिख नहीं रहा है, और प्लस अगर आप लोग XLM ऑलरेडी पहले से ही होल्ड रखे हो तो बहुत, अब उसको सेल मत करना, क्योंकि अभी पता मार्केट कितना बुरे कंडीशन में है, बिटकॉइन 41-48 अराउंड घूम रहा है, सॉरी 41-42 अराउंड घूम रहा है, और XLM जो है $0.2526 के आसपास घूम रहा है, तो सबने बाय किया होगा 3, अगर आप लोग अभी अभी बाय किया कर रहे हो तो ठीक है, $150 या $140 के आसपास आपको XLM मिल जाता है, काफ़ी अच्छी बात है। तो देख लेना, जिसको बाय करना है कर लेना, और जिसको नहीं करना है नहीं करना, बाकी जिसको स्टेक करना है स्टेक कर देना, सब आपके ऊपर है कैसे करना है, मैंने आपको तरीका बता दिया, कितने मिलने के चांसेस है वो भी मैंने आपको बता दिया है। सो जो नेक्स्ट एयर ड्रॉप है इसमें 4000 रैंडम जो यूजर्स को उनको मिलेगा, और जो टॉप 1000 रेफरल, टॉप 1000 में भी आप लोग आ सकते हो, जिसमें आप लोग 5-6 रेफर कर देना तो शायद इजीली आ सकते हो। इसमें लिटरली बता रहा हूँ कुछ टास्क, ज़्यादा टास्क हार्ड टास्क नहीं है, आपको ये डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना, टेलीग्राम ज्वाइन करना, इनका रिट्वीट करना, डेली बोनस में आप लोग डेली हर 24 घंटे में आके यहाँ पे क्लेम कर सकते हो, फॉलो करना, टेलीग्राम ज्वाइन करना, रेफर करना हो तो कर देना, और यहाँ पे अपना BSC एड्रेस दे देना, तो यहाँ पे देख सकते हो हर 24 घंटे में आपको क्लेम करना, इसमें बस इतना ही था। तो सो अगर आपने मेरा अपडेट चैनल नहीं ज्वाइन किया तो यार अपडेट चैनल ज्वाइन करना, क्योंकि यहाँ पे जो भी एयर ड्रॉप होता है मैं आपको यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, जो भी एयर ड्रॉप यहाँ पे आता है, जो भी विनर लिस्ट निकलता है, जो भी मैं जो आपको वीडियो बना के देता हूँ उस पर विनर लिस्ट भी मैं यहीं पर शेयर करता हूँ, तो यहाँ पर ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर मैं कभी कभी कॉल्स भी दे देता हूँ, जो भी मार्केट वैसे कॉल्स का मैं वो क्या बोलते पूरा वो नहीं देता हूँ, तो बट फिर भी आप लोग देख लो, जिसको बाय करना होता कर सकता है, और यहाँ पर एयर ड्रॉप के लिए ये चैनल ज्वाइन करना, क्योंकि जो भी एयर ड्रॉप होता है सारे के सारे यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, और ये सारा मेरा लिंक है आप लोग देख सकते हो, विजिट कर सकते हो, कोई भी डाउट को DM करके पूछ सकते हो। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू गाइस।